हे hey दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। सो वेलकम अगेन इन अनदर ट्रेनिंग वीडियो। वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट्स वेलनेस यूरिफ्लश 3 इन दिस वीडियो। सो जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी के स्टोन्स के लिए ये प्रोडक्ट जो है एक स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट माना जाता है, तो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो है इस प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले किडनी की जो स्टोन है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम तभी जो है किसी पेशेंट को जो किडनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसे ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं किडनी की प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही ट्रेनिंग वीडियोज़ फ्यूचर में भी रेगुलर देखने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों यहाँ पे किडनी इज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारी बॉडी का, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि इट इज़ द फिल्ट्रेशन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसे हम फिल्ट्रेशन ऑर्गन भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि किडनी के जो काम है वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला काम है ये जो है टॉक्सिन्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी से, और जो वाटर है और या फिर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको ये संभाले रखने में हमारी हेल्प करता है। और यहाँ पे जो किडनी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का लेवल है उसको भी मेंटेन रखती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो किडनी है वो हमारी बॉडी के अंदर जो दिन के अंदर लगभग 150 टाइम जो है वो हमारे ब्लड को साफ़ करती है, यानी कि प्योरीफाई करती है। और इसके अलावा जो है एक दिन के अंदर 800 से लेके 2000 ml तक जो है वो यूरिन पैदा करने में ये किडनी जो है हेल्प करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस यूरिन के अंदर 96% जो है वो वाटर होता है, 2% यूरिया एंड 2% अब मिनरल और विटामिन्स होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो किडनी के यहाँ पे स्टोन्स हैं वो एक कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पेन भी पेशेंट को महफेज जो है फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टाइप्स होती हैं किडनी की स्टोन्स की वो भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सबसे जो मेन टाइप्स हैं उसकी बात करें तो सबसे पहली जो टाइप है वो है कैल्शियम जो ऑक्सालेट स्टोन्स, और सेकंड यहाँ पे स्टोरवाइट स्टोन्स, और यहाँ पे इसी तरह ये यूरिक एसिड, ये चार तरह की स्टोन्स जो हैं वो मेन होती हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाई स्टोन्स, ये जो स्टोन्स हैं वो क्यों पैदा होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और क्या वो कारण है जिनकी वजह से जो हमारी किडनी के अंदर ये स्टोन्स बन जाती हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों स्टोन्स पैदा होती हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रीज़न होता है स्टोन्स पैदा होने का वो होता है जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि ये जो है वो आपके बाप या दादा को थी तो ऐसे ही आगे आपकी जनरेशन में चलती हैं। और जो यहाँ पे सेकंड रीज़न है वो हॉट वेदर, यानी कि वेदर भी आपकी किडनी के अंदर स्टोन्स पैदा होने का कारण बन सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैल्शियम का यूज़ करना, और जो है मीट का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, और जो साल्ट का बहुत ज़्यादा अपने जो है खाने में यूज़ करना भी किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें रेगुलर लेनी पड़ती हैं वो भी किडनी स्टोन का कारण बन सकती हैं। तो दोस्तों दीज आर दी मेजर रीजंस फॉर किडनी स्टोन्स। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टोन फिगर्स इन इंडियन पॉपुलेशन, यहाँ के इंडिया के अंदर जो स्टोन की प्रॉब्लम है वो क्या है, उसके अगर हम फिगर्स की बात करें तो दोस्तों इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू सर्वे जो बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि 15 करोड़ इंडियंस आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि यहाँ पे 60% to 80% जो है वो मेल्स हैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और इसके अलावा हर कह सकते हैं इस सर्वे के अकॉर्डिंग के हर 6 में से एक आदमी इंडिया के अंदर स्टोन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू सॉल्व इट, दोस्तों हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार कॉमन मैकेनिज्म टू सॉल्व इट हम यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। जो मेन जो चार इसके मेथड्स हैं वो हैं ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, यूज़ ऑफ जूस एंड मेडिसन्स, इसके अलावा लेज़र सर्जरी एंड ऑपरेशन भी इसका सोल्यूशन है, उसके अलावा यूज़ ऑफ ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स एक ऐसी मेडिसन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन पैदा करती है, जिसके ज़रिए जो है स्टोन बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि जो बॉडी के बाहर जो है निकलती है स्टोन यूरिन के ज़रिए, तो बहुत ज़्यादा पेन आपको देखना पड़ सकता है।
कैन आयुर्वेदा सॉल्व इट? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल पैदा होता है कि आयुर्वेद के पास इसका सोल्यूशन है? तो हम बात करते हैं, देर आर मैनी हर्ब्स बट इट डिफ़िकल्ट टू चूज़ करेक्ट हर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेदा के पास बहुत ज़्यादा हर्ब्स हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जो है वो हमें दे सकती हैं, लेकिन इन हर्ब्स का चुनाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं एलिमेंट्स वेलनेस आपके लिए लेकर के आया है यूरी फ्लैश 3, जो इस प्रॉब्लम का बहुत ही शानदार तरीके से आपको सोल्यूशन दे सकती है, क्योंकि आफ्टर सेलेक्टिंग प्रॉपर हर्ब्स फॉर स्टोन प्रॉब्लम, इनमें उन्हीं इस यूरी फ्लैश के अंदर उन्हीं हर्ब्स का यूज़ किया गया है जो इस प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट हैं। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोकरू, गुडुची, मुलेथी, इसके अलावा पुनर्नवा और इंडियन ओलिबानम जो हैं वो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें यूज़ किए गए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूरी फ्लैश 3, इसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम इसे यूज़ करते हैं, क्यों ये इतना शानदार प्रोडक्ट है किडनी स्टोन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला है मेक मोर यूरिन इन बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन ये पैदा करती है, और जो स्टोन की जो है प्रॉब्लम है आपकी किडनी के अंदर अगर स्टोन बन चुकी है तो उसे ये घुलने के लिए यानी कि उसको साइज़ के ज़रिए उसके छोटा कर देती है, जिससे वो घुल के जो यूरिन के ज़रिए बाहर आ जाती है। और यहाँ पे इसका जो है रिड्यूस स्टोन पेन यानी कि स्टोन से होने वाला पेन जो है उसे भी ये कम करने में आपकी हेल्प करती है अगर आप इसका यूज़ करते हो। और इसके अलावा दोस्तों ये यूरिन के ज़रिए आपकी किडनी से स्टोन को बाहर निकालने में हेल्प करती है आपकी। और वाई इट इज़ बेस्ट, टॉप 3 रीजंस, ये क्यों बेस्ट है आपके लिए स्टोन प्रॉब्लम के लिए, 3 सबसे बड़े रीज़न हैं उनकी हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहला रीज़न है यूज़ ऑफ कुलथ। ये एक ऐसी हर्ब है जो पुराने ज़माने के अंदर घोड़ों को खिलाया जाता जाता था ये हर्ब, क्योंकि इससे जो है वो जंग के मैदान के अंदर घोड़ों को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती थी, उनका एनर्जी का लेवल जो है वो मेंटेन रहता था, और इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक जंग के मैदान के अंदर दौड़ सकते थे। तो ये इसके अंदर यूज़ किया गया जो इसका सबसे पहला रीज़न है। और दोस्तों जो सेकंड रीज़न है वो है एक साइंटिफिक स्टडी। जी हाँ दोस्तों, इसमें यूज़ की गई हर्ब्स को जो पानी के अंदर स्टोन में रखा जब मिलाया गया तो ये हर्ब्स जो इसमें यूज़ की गई है इनसे होने वाला जो इफ़ेक्ट था उसके स्टोन जो है वो घुल गई, और बिल्कुल यहाँ पे ये स्टडी जो है वो इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट बनाती है कि ये स्टोन को घुलने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। और जो तीसरा जो लास्ट रीज़न है यहाँ पे इसके बेस्ट होने का तो दोस्तों वो है कि ये किसी भी तरह की जो स्टोन है मेल या फीमेल स्टोन की जो टाइप होती है उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, और इसके अलावा ये स्टोन से होने वाले पेन को भी बहुत ज़्यादा आसानी से कम करता है। तो ये इसके सबसे अच्छे बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि हाउ टू यूज़ इट। तो आपको इसका 1 टीस्पून जो है वो यूज़ करना है सुबह और शाम आपको खाना खाने के बाद, और इसके अलावा आपको जो पानी का यूज़ है वो ज़्यादा करना होगा क्योंकि ये जो है यूरिन पैदा करेगा और आपकी स्टोन बाहर निकलने में आपकी ये यूरिफ्लश की हेल्प करेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे ही आपकी स्टोन रिमूव हो जाए आपको पता चल जाए तो आपको तुरंत इसका यूज़ करना बंद करना होगा। और यहाँ पे हम इसको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो डू नॉट यूज़ टिल स्टोन कंफर्मेशन आफ्टर स्कैनिंग। दोस्तों इसका यूज़ तभी आपको स्टार्ट करना है जब आपको ये स्कैनिंग के ज़रिए कंफर्म हो जाए कि आपकी जो किडनी के अंदर है वो स्टोन बन चुकी है, तभी इसका यूज़ करना शुरू करें। सो दोस्तों बस इट्स ऑल अबाउट एलिमेंट्स वेलनेस यूरिफ्लश 3। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में, स्टोन के बारे में, किडनी की स्टोन जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, या फिर यूरिफ्लश की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में मिल गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि किडनी की प्रॉब्लम क्या होती है, यूरिफ्लश जो है वो उसे कैसे सॉल्व करती है। सो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट को रेगुलर फॉलो कीजिए और इससे आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी, और इसके अलावा आपको जो है फिर इस प्रोडक्ट नॉलेज के बाद आप अपनी सेल्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो बस दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो।